हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और यह वीडियो फाइल परमिशन सीरीज का 7th वीडियो है। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी एक फाइल की ओनर एंड ग्रुप सेटिंग को दूसरी फाइल में कॉपी कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए, उसके बाद मैं एक डायरेक्टरी मूव कर रहा हूँ /etc/mysolutions। इसका कंटेंट लिस्ट आउट कीजिए, उसके बाद में दूसरी डायरेक्टरी ओनर डायरेक्टरी में मूव कर रहा हूं, उसका कंटेंट लिस्ट आउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो फाइल अवेलेबल है, abc.txt और my.txt। my.txt फाइल का ओनर है a1 और ग्रुप है my group। अब मैं my.txt फाइल की ओनर एंड ग्रुप सेटिंग को मैं abc.txt फाइल में कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा chown --reference। उसके बाद इक्वल टू उस फाइल का आपको पाथ प्रोवाइड करना है, पास करना है जिसकी ओनर एंड ग्रुप सेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं my.txt फाइल की ओनर एंड ग्रुप सेटिंग कॉपी करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे my.txt नेम टाइप करता हूं। उसके बाद उस फाइल का पाथ आपको पास करना है जिस पर आप ये ग्रुप ओनर और ग्रुप सेटिंग कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं कॉपी करना चाहता हूं abc.txt फाइल पर, और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहां पर चेक कर लीजिए, देखिए इसकी ओल्ड ग्रुप सेटिंग ओनर ग्रुप सेटिंग थी रूट, ओनर था रूट और ग्रुप था रूट, ठीक है। तो हमने रेफरेंस पास किया था इस फाइल का my.txt फाइल का, जिसका ओनर था a1 और ग्रुप था my group। तो जैसे हमने ये कमांड एग्जीक्यूट किया, तो इस कमांड ने क्या किया कि इस फाइल की ओनर और ग्रुप सेटिंग को इसने इस फाइल में कॉपी कर दिया। तो देखिए यहाँ पर abc.txt फाइल की फाइल का जो ओनर है भी वो a1 है और ग्रुप है my group, ठीक है। तो इस तरह आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी एक फाइल की ओनर एंड ग्रुप सेटिंग को दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।